हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों, फाइनली एक और आरआरबी की तरफ से लेवल 6 का एनटीपीसी का एडिशनल डीवी शेड्यूल यहां पर जारी कर दिया गया है। जी हां फ्रेंड्स, इंतजार खत्म हो चुका है, एक और खुशखबरी आ चुकी है, एक और आरआरबी का एनटीपीसी लेवल 6 एडिशनल डीवी शेड्यूल आ चुका है। यहाँ पर लगातार एक के बाद एक आरआरबी से जो है लगातार जो है खुशखबरियाँ आ रही है। वहीं पर अगर बात करें आरआरबी मुंबई की तो और आरआरबी गोरखपुर की, तो वो जो है अभी भी सोए हुए हैं, लेकिन चांस है कि इस हफ्ते में उनका जो है लेवल 6 का पैनल आ ही जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इनका जो है आरआरबी गोरखपुर की बात करें तो 6 नवंबर को इनका ब्लॉक डेट का डीवी रखा गया था, और आरआरबी मुंबई का 7 नवंबर को ब्लॉक डेट का डीवी रखा गया था। मतलब आज से लगभग 7 से 8 दिन पहले ही इनका जो है डीवी खत्म हुआ है, तो इसलिए हो सकता है कि इनको टाइम लग रहा है। लेकिन चांस है कि इस हफ्ते में आपका जो है फाइनली आरआरबी गोरखपुर और जो है मुंबई का एडिशनल जो है लेवल 6 का पैनल जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आरआरबी जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा, आप देख सकते हैं rrbjammu.nic.in। जब आप यहाँ पर नीचे आओगे तो देखिए जो है आज ही के दिन यहाँ पर जारी किया गया नोटिस रिगार्डिंग सेकंड लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी टू बी हेल्ड ऑन 28 नवंबर 2022 ऑफ लेवल 6 CN01/2019, मतलब कि NTPC के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कई सारे आरआरबी जो है 28 नवंबर को यहाँ पर अपने जो है लेवल 6 के एडिशनल डीवी करवा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर अब लगातार जो है सारे आरआरबी जो है एक ही पटरी पर आ चुके हैं, और जो है अपना सेकंड एडिशनल डीवी कोई लेवल 6 का हो या फिर लेवल 5 का डीवी हो, तो वो है 28 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि अब जो है सारे आरआरबी सेम ट्रैक पर ही चल रहे हैं, लगातार एक के बाद एक जो अपडेट आ रही है वो 28 नवंबर की ही आ रही है डीवी के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, हम इसे ओपन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम इसे डाउनलोड करके ये जो है PDF यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है PDF ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं नोटिस, ये आरआरबी जम्मू की तरफ से जारी किया गया नोटिस फॉर सेकंड लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर CN01/2019 लेवल 6। देखिए आरआरबी चंडीगढ़ ने भी अभी कुछ ही देर पहले जो है NTPC का लेवल 6 का एडिशनल डीवी शेड्यूल यहाँ पर जारी किया है। वहीं पर अगर बात करें तो आरआरबी जम्मू ने भी जो है जारी किया है, और देखिए यहाँ पर जो है सेम मतलब कि आरआरबी जम्मू का भी जो है आरआरबी चंडीगढ़ की तरह ही मतलब कि दिया गया। देखिए 44 लिखा, 44 लिखा है, और सेम एज इट इज़ लिखा, और इसी का जो है ऐसा ही पैटर्न फॉलो करा आरआरबी चंडीगढ़ भी। तो देखिए यहाँ पर हम जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो आपको रिजल्ट वगैरह दिया गया था वो जो है ये फर्दर टू द नोटिस डेटेड 14 सितंबर से और 23 सितंबर 2022 द फॉलोइंग कैंडिडेट्स बियरिंग द रोल नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो देखिए यहाँ पर जो है सारी कुछ चीज़ें दे रखी, लेकिन हम स्पेशली हमारे लिए अगर जो इंपॉर्टेंट है तो देखिए कैंडिडेट्स के लिए वो स्टेशन मास्टर की कैटेगरी नंबर 2 के लिए पे लेवल 6 के लिए बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स एबसेंट हुए, कुछ को रिजेक्ट किया गया है, कुछ जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में अनफिट पाए गए स्टेशन मास्टर के लिए। तो वहीं पर जो है इनको एडिशनल पैनल निकालना पड़ा है एडिशनल कैंडिडेट्स को लेने के लिए लेवल 6 में स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए। तो देखिए स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है 9 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, मतलब कि मेरिट को शॉर्टफॉल करने के बाद और जो है मेरिट को डाउन करने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है क्लियरली कि यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो बुलाया गया है, देखो हॉरिजॉन्टली हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन डाउन फ्रॉम द मेरिट लिस्ट इन ऑर्डर टू फिल द शॉर्टफॉल इन और इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। मतलब स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पर मेरिट को शॉर्टफॉल किया गया है, मतलब कट ऑफ को कम किया गया है, और 9 कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडिशनली जो है डीवी के लिए बुलाया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते तो जो है 28 नवंबर को यहाँ पर मंडे के दिन जो है आरआरबी जम्मू के हेडक्वार्टर में आपको जो है उपस्थित होना होगा सुबह 9 बजे। ठीक है, और यदि कोई कैंडिडेट्स जिनका भी ये रोल नंबर है, जिनका भी 28 तारीख को आरआरबी जम्मू में एडिशनल डीवी होने वाला है, तो वो कैंडिडेट्स अगर कोई कैंडिडेट अगर किसी वैलिड रीज़न के कारण एबसेंट होता है तो उसके लिए ब्लॉक डेट भी रखी गई है। तो आइए हम देख लेते हैं कि ब्लॉक डेट क्या रखी गई है। तो देखिए पैराग्राफ नंबर 5 पर आप देखोगे तो इनके लिए ब्लॉक डेट फॉर एबसेंटी कैंडिडेट्स 30 नवंबर 2022, मतलब कि 2 दिन के गैप होने के बाद 29 तारीख का 1 दिन का गैप होने के बाद 30 तारीख को ही मतलब यहां पर डायरेक्ट इन्होंने जो है ब्लॉक डेट रख दिया है। ये अच्छी बात है कि यहां जो है लगातार जो है अच्छे से मतलब फास्ट काम किया जा रहा है आरआरबी जम्मू की तरफ से। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड देयर सिग्नेचर लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड 2 मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन द पोर्टल http://oirmsir.gov.in/rrbdv। तो इस लिंक पर आपको जो है अपना जो है
फोटोग्राफ और जो है 2 मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको कोई मॉल हो या फिर कोई कट का निशान हो, और जो है आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा इस लिंक पर। तो देखिए दोस्तों, बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आपके साथ मैंने जो है शेयर कर दी है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।